अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड व्लॉग है और ये मैंने सेकंड व्लॉग जो है ना कि हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्ला अलैह के जो तकिया मुबारक हैं, जहाँ पे हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई तन्हाई में बैठ के अल्लाह की इबादत किया करते हैं, तो ये जो हमारे भिट्टा के करीबी तकिया हैं हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई के, तो ये पूरा व्लॉग मेरा उनके हवाले से है। तो चलते कंटिन्यू रहें इस वीडियो के साथ और देखते रहिए। जी तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्ला अलैह अल्लाह पाक के एक वली हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने तन्हाई में अल्लाह पाक की इबादत की है और इस पूरी सिंध धरती यानी सिंध में हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के 105 तकिए। तकिया एक सिंधी वर्ड है जिसकी मीनिंग यही है कि जहाँ पे हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह ने तन्हाई में बैठ के अल्लाह पाक की इबादत की, अल्लाह पाक को राज़ी किया और अल्लाह की जो है ना बारगाह में अपनी कमाई की है। जी तो फ्रेंड्स, हम एक हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्लाह के तके पे वाक़ हैं, जो कि हालांकि एक लिंक रोड पे वाक़ है और बिरसा से राउंड ऑफ करें तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो बोला जाता है कि ये जो तकिया था ये हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई का है और जब हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई यहाँ से हला हवेली जाया करते थे हज़रत मखदूम नूह सरस के पास, तो पहले यहाँ पे आते थे और यहाँ पे अल्लाह पाक की इबादत करते थे, उसके पास यहाँ से चले जाते थे। और यहाँ पे आपको मैं और एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे एक पानी का कुआं है, इसका पानी का कुआं इतना मीठा था कि पूरे जो है ना कि इर्द गिर्द के लोग जो यहाँ पे रहते थे वो यहाँ से पानी भरने आते थे। और उसके बाद यहाँ पे जो लोग रहते हैं अभी इसके करीब, उन्होंने यहाँ पे मस्जिद बनाई हुई है, उस तकिए को मस्जिद बनाई हुई है और वहाँ पे अल्लाह पाक की इबादत की जाती है और 5 वक्त वहाँ पे नमाज कायम होती है। जी तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं सेकंड जो है तकिया मुबारक के पास। तो उस तकिया का नाम है लाल लौ। अभी ये लाल लौ एक सिंधी वर्ड है, ये एक सिंधी दरख्त का नाम है जिसको हम लई बोलते हैं सिंधी में। तो ये एक ऐसा दरख्त है जहाँ पे हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह उसके उसके साय में बैठ के अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। ये वाकई है आपका खंडू शहर या खंडू स्टाप से इसका रास्ता जाता है और खंडू स्टाप से ये तकरीबन राउंड अप करें तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाकई है, जहाँ पे बैठ के हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। जी तो फ्रेंड्स, हमने हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के आपको 2 तकिए दिखा दिए, एक हाला जो है हवेली के करीब था तकिया, दूसरा जो था वो खंडू जो है विलेज के करीब था, और तीसरा अभी हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो विलेज कुंभदाड़ू के करीब है। तो यहाँ पे भी एक तकिया मुबारक है हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह का, और वहाँ पे देखें कि कितना खूबसूरत इन लोगों ने उस चीज़ को बनाए हुए रखा है। और यहाँ पे कब्रिस्तान भी है और यहाँ पे मस्जिद भी है जहाँ पे अल्लाह जो है ना कि लोग अल्लाह पाक की इबादत किया करते हैं। तो इस वीडियो में, इस व्लॉग में हमने आपको हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के 3 तकिया मुबारक दिखाएं कि जहाँ पे हज़रत शाब्दुलती भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। जी तो व्यूअर्स, अगर मेरे सेकेंड व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़। वो भी किसी ऐसे ही जो है ना हम कह सकते हैं प्लेस के हवाले से होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।